हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा स्पेलर। जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे देखेंगे। आगे भिक्षु घर आके देखती है फुसू किताब पढ़ रहा है। वो उसके पास आके पूछती है, क्या पढ़ रहे हो? फुसू उसे अपने गोद में बिठा के बोलता है, मैं वो सब पढ़ रहा हूँ, डेमो जितना सिविल और फाइटर हो जाऊँ, उसके बाद सभी मुझसे भी प्यार करेंगे और मैं तुमसे। ये बोल के वेक्सु के नेक को काटने लगता है। वेक्सु बोलती है, सीनियर को तो फाइट नहीं आता। ये सुन के फुसू बोलता है, नहीं ये सच नहीं है, मैंने खुद देखा है। उस दिन वो कैसे कप को गिनने से पहले पकड़ लिए, उन्हें सब कुछ पता है। सीनियर कहाँ चले गए उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। ये सुन के सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन वेक्सु उन्हें ढूंढते टाइम उसे किसने किडनैप कर लिया। उसके बाद उसे बांध के एक रूम में डाल दिया। उसके बाद भी वो चुप नहीं रहा, वो वेक्सु के ऊपर बहुत सारे ठंडे पानी डाल दी। उसके बाद वेक्सु को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो कांपने लगती है। तभी वो किडनैपर डेमो को भी उसी रूम में बांध देता है। डेमो वेक्सु की हालत देख के उसके पास जाके उसकी हाथ से रस्सी खोल देता है। वेक्सु बोलती है, सीनियर मुझे बहुत ठंड लग रहा है। ये सुनते ही डेमो उसके करीब आने लगता है। शायद ये डेमो का चाल था वेक्सु को अपना बनाने का। लेकिन तभी वहाँ फुसु आ जाता है। वो डेमो को धक्का मार के वेक्सु को अपने पास ले जाता है। डेमो जब देखता है फुसु वेक्सु को किस करने वाला है, वो बोलता है, तुम ये क्या करने जा रहे हो, और फुसु को मारने पास आता है। लेकिन फुसु अपने मैजिक से उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद फुसु वेक्सु को किस करते हुए ब्लड पिलाता है। डेमो ये देख के फिर से फुसु को मारने आया और फिर से फुसु उसे मार के नीचे गिरा दिया। फिर वेक्सु को गोद में उठा के अपने साथ ले गया। ये देख के डेमो का खून उबल रहा था। तभी किडनैपर आके बोलता है, सर अब क्या करें? देखो इस डेमो को, वेक्सु को पाने के लिए क्या क्या कर रहा है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है, वेक्सु और फुसु सो रहे थे। वेक्सु उठ के फुसु के चेहरे पे हाथ लगाती है और फुसु जब आंख खोलता है, वेक्सु बोलती है, तुमने फिर से मेरी जान बचाया। फुसु बोलता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वेक्सु ये सुन के स्माइल कर रही थी। तभी उसे याद आती है, सीनियर भी इंजर्ड है। वो पूछती है, सीनियर कैसे है? फुसु बोलता है, उसे क्या होगा, उसी ने तो खुद का किडनैप किया था। ये सुन के वेक्सु बोलती है, तुम सीनियर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मास्टर के जाने के बाद वही तो है जो मुझे हिम्मत दिए है, हर काम में मुझे हेल्प किए है, उन्हें कुछ हो ये मैं नहीं देख सकती। फुसु बोलता है, वो तुम्हें चीट कर रहा है। वेक्सु चिढ़ते हुए बोलती है, वो वैसे आदमी नहीं है, मैं उन्हें देख के आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फुसु उसे पीछे से पकड़ के बोलता है, रुक जाओ प्लीज, उसके पास मत जाओ। तब जीव आके बोलती है, सर। वेक्सु बोलती है, तू नक करके नहीं आ सकती, ऐसे अंदर आ गई जैसे चोर घुस गया है घर पे, अब बोल भी ऐसे खड़ी क्यों है? फिर जीव बोलती है, सर मास्टर के रूम में सच में चोरी हो गया है। ये सुन के सभी वहाँ जाते हैं। जीव बोलती है, पता नहीं वो चोर कहाँ से आया और कहाँ चला गया, लेकिन वो कुछ भी लेके नहीं गया, सिर्फ कुछ पेंटिंग और मास्टर के लिखे हुए कुछ पन्ने। ये सुन के वेक्सु बोलती है, वो सब भी मेरे लिए कीमती है, जल्दी से उस चोर को ढूंढो। इधर फुसु मन ही मन बोलता है, ये सेंट जाना पहचाना है, शायद ये इंसी है। फिर वो इंक्सी के पास चला जाता है। इधर जीव और वेक्सु को भी इंक्सी पे डाउट होती है, लेकिन लिन बोलता है, नहीं बहन ये सच नहीं हो सकता, इंक्सी स्पाई नहीं हो सकती। फिर वेक्सु बोलती है, यहाँ के सारे सबूत इंक्सी के ओर इशारा कर रहा है, तो अगर इंक्सी स्पाई है और ना भी है तब भी वो लोग उसे मार डालेंगे। ये सुनते ही दोनों भागते है इंक्सी के रूम में और वहाँ जाके कुछ ऐसा नजारा देखते है। वेक्सु चिल्लाती है, फुसु ये क्या कर रहे हो? ये सुनते ही फुसु इंक्सी के पास से उठ के दूर खड़ा होता है। लिन इंक्सी को उठा के बोलता है, तुम ठीक हो ना? वेक्सु पूछता है, मेरे गार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इतनी जल्दी नई लड़की मिल गई? इंक्सी बोलती है, नहीं नहीं, वो तो कुछ लोग मुझ पे अटैक किए थे,
फुसू तो मेरी जान बचा रहे थे। वो एक्सो बोलती है, अच्छा तो ये बताओ तुम पे वो लोग अटैक क्यों किए। इंक्सी बोलती है, हाँ मैंने ही मास्टर के रूम से वो सब कॉपी चुराई थी, लेकिन वो लोग कौन है मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब लेने से पहले वो लोग मुझे मार डालेंगे। आप ये सब ले लो, बोल के वेक्सु को सब कुछ वापस कर देती है। फिर जीवो और वेक्सु चारों ओर ये अफवाह फैला देते हैं इंक्सी की एक्सीडेंट हो गई है और वो मरने वाली है, जिससे कोई भी सस्पिशियस सामने आए। फिर जीवो के जाने के बाद वेक्सु टेबल के ओर देख के बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंक्सी के पास नहीं गए। ये सुन के फुसु चुपके से कछुए की तरह अपने सर निकाल के बोलता है, वेक्सु सॉरी। वेक्सु बोलती है, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो, तुम्हारा गलती थोड़ी ना है, तुम मेरे खिलौना तो नहीं हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। फुसु वेक्सु के पास बैठ के बोलता है, वेक्सु गुस्सा मत होना। वेक्सु बोलती है, तो बोलो ना तुम उसके पास क्यों गए थे। फुसु बोलता है, मैं ये देखने गया था कि क्या वो सच में पेंटिंग चुराई है। वेक्सु पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो चुराई है। फुसु बोलता है, एक्चुअली मास्टर के रूम में जो सेंट था ना वो इंसी की थी। ये सुन के वेक्सु बोलती है, अच्छा तो तुम्हें इंसी की स्मेल भी पता है। फुसु बोलता है, मर्मेड का नाक तेज होता है, उसमें मैं क्या करूं। वेक्सु फिर भी उसे गुस्से से देखती है तो वो वेक्सु को किस कर लेता है। वेक्सु गुस्से से बोलती है, तुम फिर से किस करोगे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही फुसु फिर से किस करता है। कुछ देर बाद डेमो मैजिस्ट्रेट के मेंशन में आता है, वो अपने साथ कुछ मिठाई लेके आया था और लीन से मिलके बोलता है, मैंने सुना इंसी की एक्सीडेंट हो गई है। ये सुन के लीन रोने लगता है। डेमो फिर बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम दोनों बहुत करीब आ चुके थे, क्या मैं उसे लास्ट टाइम देख सकता हूँ। लीन बोलता है, नहीं मेरी बहन मना की है, कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, वो भी नहीं है यहाँ पे, जब वो आएगी आप उसके साथ जाके देख आना। ये सुन के डेमो बोलता है, ये मिठाई तुम्हारे बहन के लिए था, वो तो नहीं है, मैं इसे अपने साथ वापस ले जाता हूँ। और ये पागल लिन बोलता है, नहीं नहीं इंसी को बहुत पसंद है, मैं उसे दे दूंगा। ये सुन के डेमो अपने आप से बोलता है, क्या इंसी अब तक जिंदा है, अब उसे मारने के लिए दूसरा आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या डेमो इंसी को मार पाएगा या पकड़ा जाएगा, देखते हैं अगले एपिसोड में। उससे पहले सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और हाँ कमेंट करने को मत भूलना।